वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 1984 बैच के दुर्गा शंकर मिश्रा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचे, जहां लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने उनका स्वागत किया। डीएम के साथ लखनऊ कमिश्नर भी मौजूद रहे। वरिष्ठ आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा लोक भवन पहुंचे, जहां मुख्य सचिव आर के तिवारी ने उनका स्वागत करते हुए उनको कार्यभार ग्रहण कराया। बता दें कि मिश्रा की गिनती पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अफसरों में होती है। सारा परिवर्तन पिछले 5 साल के भीतर, 4.5 साल के भीतर हुआ उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप में बताता है कि और भी जो क्षेत्र है उनमें भी उस प्रकार के परिवर्तन होंगे। मैं अभी एक रिव्यू करूंगा सारे अधिकारियों के साथ। मेरा काम करने का स्टाइल तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे प्रदेश का दौरा भी करूंगा, रिव्यू भी करूंगा, बड़े नजदीक से देखूंगा। और मेरा पहला लक्ष्य होगा उत्तर प्रदेश को जो कि माननीय प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार उनको मैंने सुना है, उत्तर प्रदेश को प्रथम राज्य बनाने में और इकोनॉमी में उन्होंने 1 लाख करोड़ का टारगेट उन्होंने रखा हुआ है कि हमारी जो यहाँ की स्टेट जीडीपी को ले जाने को, उन सब चीजों को हम लोग कैसे, जो हमारे कार्यक्रम कहीं भी कार्य रुके पड़े हैं किसी विभाग का, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा परियोजना यहाँ पे चालू किया गया। मुझे याद है कि जब मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हुआ करता था उस जमाने में उस परियोजना पे मैंने काफी काम किया था, लेकिन बाद में सारा काम रुक गया था। मुझे ये भी जानकारी है उससे मैंने बहुत सारा काम किया था लेकिन वो सारा काम रुक गया था। उस काम को पूरा करके अभी अभी उसको पब्लिक को दिया गया।